उत्तराखंड में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तो 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश और इसके साथ ही बर्फबारी भी हो सकती है। तो चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो इसके साथ ही बागेश्वर, पिथौरागढ़ और पौड़ी भी इसमें शामिल है। तो सेना के कैंपों पर एवलांच के खतरे का भी अलर्ट यहां पर जारी है। साथ ही चमोली और पिथौरागढ़ में सेना और आईटीबीपी के कैंप पर खतरा मंडरा रहा है। एसडीआरएफ की टीमों को भी इसके लिए अलर्ट किया गया है। तो लगातार मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच कभी बर्फबारी तो कभी भारी बारिश, और ऐसे में अब 48 घंटे बेहद ही यहां पर खतरनाक उत्तराखंड के लिए बताए जा रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात करें जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि एवलांच आ सकता है। और ऐसे में जितने भी आईटीबीपी के यहां पर कैंप्स बनाए गए हैं, उनको यहां पर खासतौर पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो सेना के कैंपों पर एवलांच का जो खतरा है वो वहां पर मंडरा रहा है, और इसके चलते फिलहाल अलर्ट। पिथौरागढ़ में सेना और आईटीबीपी के कैंप पर ये खतरा है, तो एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही लोगों को भी चेतावनी दी गई है। तो रेड अलर्ट ये उत्तराखंड में मौसम को लेकर जारी किया गया है, जो आने वाले वक्त में उत्तराखंड के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और ऐसे में फिलहाल हर किसी को सतर्कता बरतने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल भारी बारिश का अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है।